एक्शन। वेरी गुड आफ्टरनून बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप सभी का रिचार्ज हो चुका है और छोटे रिचार्ज में बड़ा धमाका आज हमें करना है, क्योंकि आज हमें देखना है कि सीए फाउंडेशन के लॉ के सब्जेक्ट में जो एक कंसर्न मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रहता है कि सर केस स्टडी कैसे लिखे। हर जगह जाओगे, जो भी मेहमान मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा, जो बोलेगा सीए कर रहे हैं, अच्छा तुम फाउंडेशन कर रहे हो, अरे मैंने सुना है लॉ बहुत डिफिकल्ट है, उसमें केस स्टडी लिखना तो इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है। और दिन ब दिन वो डर खाया जाता है, केस स्टडी। सीनियर बोलते हैं, उसके सीनियर बोलते हैं, अच्छा तुम फाउंडेशन कर रहे हो ना, ध्यान रखना लॉ में केस स्टडी ठीक से करना। वो बार बार ऐसे दिमाग में बैठ जाता है, केस स्टडी बहुत डिफिकल्ट है। देयर इज नथिंग एज सच एज डिफिकल्ट इन केस स्टडी, इट इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट यू हैव ऑलरेडी बीन राइटिंग इन 10th स्टैंडर्ड, दैट इज गिव रीजन। जिस हिसाब से आप गिव रीजन 10वीं कक्षा तक लिखते आए हो, अभी भी लिख रहे हो, उसी गिव रीजन के जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप अभी नए से क्वेश्चन लिख रहे हो, आई अग्री और डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, केस रहेगा, उस केस के हिसाब से जो तुम्हें लगता है क्या आपका कंक्लूजन है, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ओके, कोई केस दिया होगा, कोई सिनारियो दिया होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस पढ़े हैं, तो उन प्रोविजंस के मद्देनजर आपको उस केस का कंक्लूजन निकालना है। केस का क्या निकालना है? कंक्लूजन। केस स्टडी लिखते वक्त अपने आप को जज की जगह पर रखो, अपने आप को जज की जगह पर रखिए। कहां रखना है अपने आप को? जज की जगह पर। जज क्या करता है बेटा? इंसाफ। इंसाफ जो करता है जज, वो किसके बेसिस पे करता है? लॉ के बेसिस पे करता है या भावनाओं के? लॉ के या भावना के? लॉ ना, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। सो गिवन विल बी अ केस, उस केस को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जज होने के नाते आपको सबसे पहले जितने भी प्रोविजंस उस केस से जुड़े हैं, जो आपको लगता है इससे जुड़े हैं, उन सभी को याद करना होगा और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो जज हो तो आपका कोई कंक्लूजन रहेगा, ठीक है? अगर आप जज हो तो आपका कोई कंक्लूजन रहेगा, लेकिन डायरेक्टली कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या हम? नहीं, क्योंकि केस स्टडी आपके लिए 4 या 6 मार्क के लिए सी फाउंडेशन में आएगी, इंटर में भी आती है, फाइनल में भी आती है। इंटर और फाइनल के अंदर तो पूरा पेपर ही केस स्टडी बेस्ड होता है। फाइनल में अगर आप कंपनी लॉ पढ़ो तो पूरा के पूरा जो लॉ है सीए फाइनल का लॉ, वो 100% पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। केस स्टडी बेस्ड राइटिंग कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, आपको खुद को एक जज की जगह पर रखना है। जब एक जज फैसला देता है, कंक्लूजन देता है, दैट हैज टू बी गिवन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द केस, यस और नो, राइट? अब मान लो कोई केस है, उस केस के ऊपर जो प्रोविजंस आपको लगते हैं एप्लीकेबल है, उन सभी प्रोविजंस को आपको वहां पे लिखना होगा। और वो सब लिखने के बाद, मेंशन करने के बाद, अगर कोई रेलेवेंट केस लॉ जो है, जैसे कल हमने देखा स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, वो अगर आपकी गिवन केस स्टडी को अप्लाई होते हैं, तो उसका सिर्फ वहां पे नाम मेंशन करना है, आपको जितने प्रोविजंस लगते हैं उस केस स्टडी का एप्लीकेबल है, उन सभी प्रोविजंस को लिखना है। उसके बाद जो रेलेवेंट केस लॉ अगर आपको लगता है, वो केस लॉ भी वहां पर मेंशन करना है। और फाइनली आप जज हो, आपको फैसला सुनाना है, तो उसी तरह से आपको कंक्लूजंस ड्रॉ करने हैं इन द गिवन केस लॉ। अभी ओके। तो कल मैंने आपको केस लॉ क्या था? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी, आई होप यू रिमेंबर द एग्जांपल, ठीक है? अब उसी केस को थोड़ा केस स्टडी के फॉर्मेट में मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसी केस को केस स्टडी के फॉर्मेट में रखने का रीजन यह है, उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने केस स्टडी पढ़ाई थी आपको, केस स्टडी क्या थी? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो केस स्टडी समझ में आ गई, उसके अंदर के कंक्लूजन समझ में आ गए, उस केस स्टडी को एप्लीकेबल सारे प्रोविजन समझ में आ गए। तो जब हमें केस स्टडी केस लॉ पढ़ा है, तो वैसा ही एक केस स्टडी अगर हम ले तो फिर आपके मन का जो डाउट है ये यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि सर केस स्टडी को लिखते कैसे हैं। अभी ओके, शुरू करें। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लीज पे अटमोस्ट अटेंशन। आपका 60 मार्क्स का पेपर है, तो 60 मार्क्स के पेपर में तकरीबन 25 से 30 मार्क के क्वेश्चंस ये प्योरली केस स्टडी बेस्ड होते हैं। इंस्टीट्यूट की एक बहुत अच्छी सी बात है, क्या अच्छी बात है? देयर पेपर पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड। You might get a paper where you don't have a case study. You might get a paper where there is only case study. You might get a paper
there is mixture of question answers and case study. So paper pattern of ICI is not fixed, unlike the board. Board में सब चीजें fix है. मैं आपको बोल सकता हूँ डिटेल आंसर कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसा कोई प्रिडिक्शन अपन लॉ में नहीं कर सकते. हाँ, इतना बोल सकता हूं कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर 22 से 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे. कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं बोला जा सकता. हाँ, केस स्टडीज आती है. 22 मार्क 25 मार्क का वेटेज है तो तकरीबन 14 to 16 मार्क्स आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर पर पूछने की संभावना है. राइट, सो कंपनीज एक्ट है, हर एक चैप्टर में एक एक केस स्टडी तो वो पूछेंगे. हर चैप्टर में से एक एक केस स्टडी पूछेंगे. एलएलपी और कंपनीज एक्ट के छोटे चैप्टर हैं, इनमें केस स्टडी पूछने की संभावना कम होती है. इसमें नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं. नॉर्मली वी सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसीलिए केस स्टडी का डिस्कशन मैंने कंपनीज एक्ट के चैप्टर के वक्त नहीं लिया. ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कुछ केस स्टडीज है दो तीन, क्योंकि बहुत कम कंटेंट है हमारा कंपनीज एक्ट का. उसके अंदर केस स्टडी बना भी तो मैक्सिमम केस स्टडी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर ही आएगा. उसके अलावा कोई भी दूसरे पार्ट पे केस स्टडी बनाने जैसा कुछ उसमें कंटेंट है नहीं. तो कंपनीज एक्ट में अगर केस स्टडी आया भी तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर ही केस स्टडी आ सकता है. केस स्टडी जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो मैक्सिमम आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से और पार्टनरशिप एक्ट में से. ये तीन चैप्टर जो है केस स्टडी के दायरे से, केस स्टडी के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है. कल का लेक्चर सभी लोगों ने देखा, जो एब्सेंट थे उन लोगों ने भी देखा क्या? अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आएगा जो मैं आज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, सो इवन इफ यू आर एब्सेंट, एंश्योर दैट यू कंप्लीट द लेक्चर दैट डे इटसेल्फ सिटिंग होम. मैंने बैच क्रिएट की है सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स वर्चुअल की. जब मेजोरिटी सभी लोगों ने मुझे बोल दिया था कि सर हमें आपका वर्चुअल करना है, तो ऑलरेडी मैंने सिस्टमैटिकली अपने ऐप के अंदर क्रिएट कर दिया है फोल्डर, बैच क्रिएट कर दी है. 13-14 लोग उसके अंदर ऐड भी हो चुके हैं. उसके हिसाब से थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये तीनों यूनिट के फोल्डर वाइज जो वीडियोस है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं. आई गेस आयुष का भी जो पीछे से उसे बात हुई तो उसका भी फाइनल है. अभी सिर्फ शायद हर्षदा का बाकी है, जो भी आपका जो डिसीजन आप बता दीजिए. बाकी लोग जो मैंने बैच में एक दो दिन पहले जो लिंक भेजी थी वो लिंक स्पेसिफिकली आपके उस फाउंडेशन के इकोनॉमिक्स के वर्चुअल की लिंक है, तो आप उस पर जाकर क्लिक करिए, आपकी रिक्वेस्ट मुझे भेजिए, मैं आपका जो कुछ भी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लूंगा. नहीं है तो उसका बैच कोड लिख के रख लो, सीए इको उसका बैच कोड है. सीए इको इज द बैच कोड फॉर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स वर्चुअल. ओके, अभी ओके, शैल वी स्टार्ट? तो चलिए शुरू करते हैं. बहुत सी सिंपल सा पार्ट जिसे अननेसेसरी स्टूडेंट्स डिफिकल्ट बना रहे कि केस स्टडी अगर पेपर में आता है सर तो इसे लिखते कैसा है. मेरी मानो केस स्टडी लिखना क्वेश्चन आंसर्स लिखने से बहुत आसान है. Why is it so? Let's say if a question comes for 7 marks, what are the features of joint stock company? Undoubtedly, you will be expected to write all the features correctly. उसका explanation कितना लंबा चौड़ा आंसर बनता है. किसी भी हाल में कोई भी केस स्टडी के ऊपर 4 से 5 के पॉइंट नहीं बनते, उससे ज्यादा पॉइंट नहीं बनते. हार्डली वन साइड ऑफ द पेज में ही केस स्टडी लिखा जा सकता है. आईसीआई में राइटिंग और बोर्ड की राइटिंग में जमीन और आसमान का फर्क है. यहां पे सीबीएसई टाइप ऑफ राइटिंग लगती है, प्रिसाइज टू द पॉइंट. बोर्ड के जैसे घुमा फिरा कि किधर का किधर भी चिपका रहे हैं, कितना लंबा लंबा भी लिख रहे तो वो यहां नहीं चलेगा. यहां पे यू हैव टू राइट टू द पॉइंट. दो अलग अलग स्ट्रैटेजी अपने को अपनानी है, तो इसे जंबल करना मत और मिक्स मत करना. जब आईसीआई का पेपर लिखते हो तो आपको टू द पॉइंट और प्रिसाइज और समराइज तरीके में लिखना है. अगर ऐसे लिखते हो तो आपको मार्क मिलेंगे, लेकिन वही अगर आप बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो आप समराइज्ड तरीके में मार्क, समराइज तरीके में अगर लिखते हो तो आपको बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो देयर आर टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज. यू हैव टू राइट इन डिटेल एंड इन लॉन्ग फॉर्मेट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स. यू हैव टू राइट इन समराइज्ड एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट व्हेन इट कम्स टू आईसीआई एग्जाम्स. लॉ में जब केस स्टडी आता है तो कोई भी केस स्टडी आपके सीए फाउंडेशन में इतना बड़ा है नहीं कि जिसके ऊपर 4 या 5 पॉइंट से ज्यादा कुछ लिख सके. मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स कैन बी रिटन ऑन एनी केस स्टडी ऑफ सीए फाउंडेशन. इसके अंदर शुरुआत में क्या लिखते हैं वो सब मैं एक एक करके फॉर्मेट आपको बताता हूं, प्लीज ध्यान दीजिए. चलिए अभी मैंने क्या किया, कल जो केस लॉ आपको पढ़ाया, केस लॉ क्या था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी. स्टेट ऑफ गुजरात एंड रमन लाल एंड कंपनी के केस लॉ के आधार पर एक केस स्टडी मैंने बताई.
मान लो ये केस स्टडी आपको सीए फाउंडेशन के फाइनल एग्जाम में 4 मार्क के लिए आने वाली है। अगर आपको मैं 2 केस स्टडी सिखा दूंगा, आगे केस स्टडी लिखते कैसे ये तो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा, है या ना? राइट। जैसे समझ लो कोई केस दिया है, उस केस को पढ़ने के बाद एमसीक्यू में अगर उसका आंसर पूछा ए बी सी डी, आप इंटरप्रिट कर सकते हो प्रोविजंस के हिसाब से कि उसका आंसर ए है या बी है या सी है डी है, एमसीक्यू में देखकर, आया ना? राइट। ठीक जिस तरह से हम केस स्टडी को पढ़कर कौन सा एमसीक्यू सही है वो पूरा अंदाजा लगा सकते हैं, वही चीज करना है। सिर्फ यहां पे क्या है, यह एमसीक्यू का एक सिंगल डॉट नहीं करना है, हमें पूरे लॉजिक को दिमाग में रखना है और उसे राइटिंग में उतारना है पेपर पर, ठीक है? तो मैंने उस केस लॉ को एक केस स्टडी में कन्वर्ट किया है। तो कैसे केस स्टडी लिखते हैं सीए फाउंडेशन के, सॉरी लॉ सब्जेक्ट के, तो यहां पर अभी हम देखते हैं। नाउ एग्जाम्पल, नाउ दिस एग्जाम्पल रिलेट्स टू केस स्टडी। एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म विच वेंट इन टू लिक्विडेशन, द असेट्स ऑफ द फर्म लेफ्ट आउट आफ्टर द डिसोल्यूशन वर ट्रांसफर टू इट्स पार्टनर्स। अभी मैंने क्या एग्जाम्पल लिया है, एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है जो डिसोल्यूशन में जा चुकी है। डिसोल्यूशन में जाने के बाद जो भी असेट्स उनके पास लेफ्ट आउट होते हैं आफ्टर पेइंग द लाइबिलिटीज, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। द इनकम टैक्स ऑफिसर वॉन्ट्स टू टैग दिस ट्रांसफर एज इनकम ऑफ द पार्टनर्स। द इनकम टैक्स ऑफिसर वॉन्ट्स टू टैग दिस ट्रांजेक्शन एज इनकम ऑफ द पार्टनर्स। इन द लाइट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन द इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स द अबाउट ट्रांजेक्शन। आई गेस यू ऑलरेडी नो द आंसर। व्हाट इज द आंसर? कैन ही और कैनॉट? कैन ही और कैनॉट? कैन ही और कैनॉट? कैन ही और कैनॉट? सी, आपको प्रोविजंस मालूम है, आपको सारी प्रोविजंस सारी लॉजिक पता है। सारे प्रोविजंस सारी लॉजिक पता करने के बाद एक यूनानिमस आंसर आ रहा है दैट इनकम टैक्स ऑफिसर कैनॉट टैक्स दिस ट्रांजेक्शन एज इनकम, हाँ या ना? इज दर यूनानिमस आंसर? किसी को लगता है कि क्या इनकम टैक्स ऑफिसर कैन टैक्स दिस एज इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन एज इनकम ऑफ द पार्टनर्स? क्या इनकम टैक्स ऑफिसर इस ट्रांजैक्शन को, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर इस ट्रांजैक्शन को इनकम के तौर पे टैक्स कर सकता है क्या? ऐसा लगता है कि किसी को? सो इज द यूनानिमस आंसर नो? क्या ये आंसर नो है? क्या ये आंसर नो है? यस yes. अगर ये एमसीक्यू होता तो उसके अंदर ऑप्शंस दिए रहते, यस नो ऑल ऑफ द अबो नन ऑफ द अबो, बट अभी अपन सीधा क्या करते हैं, नो आंसर पे टिक करके खत्म कर देते हैं। अब कल मैंने बहुत सी चीजें बताई थी, रेलेवेंट केस लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया तो इसके अंदर बहुत सी चीजों का आपको मैंने यहां पे इंटरप्रिटेशन दिया है। यहां पर क्या आता है, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट आता है। अब आप जज हो, अब आप क्या हो, जज हो। जज जब फैसला सुनाता है, जज जो फैसला सुनाता है सिर्फ इतना ही आंसर देता है कि नो, सिर्फ नो आंसर दोगे तो चलेगा क्या? सिर्फ नो आंसर दोगे तो चलेगा क्या? नहीं। ये किस बेसिस पे आपने ये निर्णय सुनाया है ये बताना पड़ेगा, यानी इसके अंदर के सारे प्रोविजंस आपको बताने होंगे। सो लेट्स वन बाय वन स्टार्ट लिस्टिंग आउट व्हाट ऑल प्रोविजंस हैव टू बी मेंशनड इन द गिवन आंसर। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोविजंस गवर्निंग द केस। इस केस को गवर्न कर रहे हैं सारे प्रोविजंस को अपने को लिस्ट करना है। तो कौन सी चीजें इसमें आपको लिखनी पड़ेगी, रीजंस देने हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, रीजंस दे रहे हैं। वी नो द आंसर इज नो, बट वी हैव टू गिव रीजन फॉर द सेम। इफ यू आर डिसएग्रीइंग विद द स्टेटमेंट, इफ यू आर अग्रीइंग, अभी अग्री डिसएग्री का यहां पे कुछ है नहीं। अब यहां पे क्या रीजन है, योर आंसर इज नो, योर आंसर इज नो, सो यू हैव टू गिव रीजन फॉर सेम, यू हैव टू गिव रीजन फॉर सेम। चलो वन बाय वन रेज योर हैंड एंड गिव योर रीजंस। You can do it, huh? Partnership firm is not a partnership firm is not a separate legal entity and the partners are the joint owners of the assets of the firm. Yes. Anyone else? Huh? Okay, that means there should be 2 parties to the contract. Yes. What else? What else do you think should be mentioned? ओके, ही सेड सेम। पार्टनरशिप के प्रोविजंस इसने बता दिए, 2 पार्टीज का इसने बता दिया, बरोबर। इतना ही लिखना है, लेकिन इसको लिखते कैसे वो देखो। 2 चीजें आएगी यहां पे, हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस देने पड़ेंगे, हाँ या ना? वी हैव टू राइट
some content from the partnership act, yes or no, right? We also have to write one point from the essentials of valid contract, that is regarding two parties. Now two parties wala essentials of valid contract, is it part of section 10, which is expressly provided in section 10, or it is not provided in section 10? Not provided in section 10, but is required to be present to form a valid contract, yes or no? ठीक है, अब इसे लिखते कैसे हैं देखो. सबसे पहले जब कभी भी हम कोई केस स्टडी लिखते हैं तो हम गिवन लिखते हैं. इस गिवन को अगर आप कुछ और तरीके से लिखना चाहो तो इसे एक और नाम है फैक्ट्स ऑफ केस. फैक्ट्स ऑफ केस या गिवन के अंदर हम सिर्फ ऊपर दिए गए प्रश्न या केस स्टडी के जो भी फैक्ट्स है वो लिखेंगे. फैक्ट्स क्या है? एबीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म विच वेंट इनटू डिसोल्यूशन. सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? द असेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन. तीसरा पॉइंट, इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स टू टैक्स द अबव ट्रांजैक्शन एज द इनकम ऑफ द पार्टनर्स. नाउ आई हैव रिटन डाउन द फैक्ट्स ऑफ द केस और गिवन. अभी गिवन या फैक्ट्स ऑफ केस हमें कहां से लिखना है? क्वेश्चन में से ही लिखना है. जो क्वेश्चन दिया है उसी के अंदर से केस के जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को लिखना है. सो इसे आप फैक्ट्स ऑफ केस भी नाम दे सकते हो या गिवन भी लिख सकते हो. फैक्ट्स ऑफ केस लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा. क्या हेडिंग देंगे हम? फैक्ट्स ऑफ केस. फैक्ट्स ऑफ केस के अंदर दिए गए केस स्टडी का जो कुछ भी गिवन है वही चीजें आपको लिखनी है. और हमेशा याद रखना, जब कभी भी फैक्ट्स ऑफ केस लिखते हो मैक्सिमम दो या तीन पॉइंट में लिख लिया करो. तो पता चला केस स्टडी 5-7 लाइन की है, वही पूरा के पूरा केस स्टडी छापते बैठे तो उसमें ही टाइम चला जाएगा, पेपर कंप्लीट भी नहीं होगा, क्योंकि आईसीआई के पेपर बहुत लेंदी होते हैं. आप में से कितने लोग सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर 100 में से 100 छोड़ाना चाहते हो? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू अटेम्प्ट द सीए फाउंडेशन अकाउंट पेपर 100 out of 100? 100 में से 100 मार्क का सीए फाउंडेशन आपको नहीं करना? 100 में से 100 मार्क का आयुष, यू हैव टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम ऑफ द मॉड्यूल एटलीस्ट 5 टाइम्स. You have to solve every problem of your module at least 5 times. CA foundation का simple logic है, module के बाहर से कुछ भी नहीं आता. अगर आपने CA foundation accounts के module के हर एक problem को अगर 5 बार छुड़ाया है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको 90 mark लेने से नहीं रोक सकती. 90 marks by hook or crook you'll be able to achieve. But 5 बार लिख कर सॉल्व करना है. हमारी गलती कहां होती है स्टूडेंट लाइफ में? वी ट्राई टू रीड अकाउंट्स. हम अकाउंट्स को पढ़ते हैं. अकाउंट्स, मैथ्स ये सब्जेक्ट पढ़ने के नहीं है. जब हम बेसिक पढ़ने की स्ट्रैटेजी में ही गलत हो रहे हैं तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? स्कूल लाइफ में भी देखिए, जिन जिन लोगों ने मैथ्स के साथ स्ट्रगल किया है, जो जो लोगों को मैथ्स में थोड़े कमजोर मार्क्स आए, कम मार्क्स आए, उसका मेजर एक रीजन बना है कि प्रैक्टिस नहीं करते. हम मैथ्स को पढ़ते हैं. क्या मैथ्स एक थ्योरी पेपर है? इज मैथ्स अ थ्योरी पेपर? यस और नो? नो. सो अगर हम रीडिंग करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो मैथ्स आएगा कभी? इस जन्म में क्या, अगले 10 जन्म में भी नहीं आएगा. अगर आप मैथ्स में मास्टरी चाहते हो तो उसके लिए एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना होगा. आप अकाउंट्स में मास्टरी चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन आर लेंदी. नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हैज अटेम्प्टेड सीए फाउंडेशन लॉ पेपर 100 out of 100 दिस अटेम्प्ट. एवरीवन on an average has attempted a paper of 80 marks only. ये कब होता है बेटा? जब हम राइटिंग पेपर की प्रैक्टिस राइटिंग से. देखो, मैथ्स एक एमसीक्यू पेपर है, उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे. इको एक एमसीक्यू पेपर है तो उसके अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे. लॉ एक राइटिंग पेपर है तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी. अकाउंट्स एक राइटिंग पेपर है तो उसमें लिख के प्रैक्टिस करनी होगी. जो जैसा पेपर का फॉर्मेट है उस तरह की प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी. आए दिन कितनी बार
हमारा गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर एक बाउंसर पे आउट होता था, कितनी बार ग्राउंड में देख लो आप, मैक्सिमम टाइम जितनी बार सचिन तेंदुलकर आउट हुआ है वो शुरुआत शुरुआत में बाउंसर की वजह से आउट हुआ है, बाकी सब शॉट्स बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन जब बाउंसर की बात आती है एक तो डक करने की कोशिश करता है और अचानक से बॉल ज्यादा स्पीड से आई तो डक नहीं कर पाता तो उसका कट लगता है और वह आउट हो जाता है। तो बाउंसर उसकी कमजोरी थी और लास्ट तक बनी रही। अल्टीमेटली उस चीज को अगर फेस करना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना होगा। सचिन तेंदुलकर का जो वो दौर था, वो जो डिकेड था, वो जो दशक था, उस दौर में बनने वाले सारे क्रिकेटर बाउंसर बॉल से डरते थे, इसलिए हर फॉरेनर हमारे यहां पे बॉलिंग करने आता था पहले बाउंसर मारता था इंडियन बैट्समैन को और हमारे इंडियन बैट्समैन उस पर बरोबर आउट होते थे। लेकिन अब वी हैव हिटमैन रोहित शर्मा, खड़े खड़े ही लगा देते छक्के, बाउंसर तो डालने की देरी है, बाउंसर डालेंगे तो पहले छक्का मारेगा। ये क्यों होता है? क्योंकि शर्मा जी है, ऐसी बात नहीं है, ये इसलिए होता है कि विराट कोहली है, शिखर धवन है, अभी ये सब सारे महेंद्र सिंह धोनी है, ये सब लोग शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे से खेलने लगे। तो वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी कि शॉर्ट बॉल डालो तो आउट हो जाएगा, पता है 1983 का जो वर्ल्ड कप देखेंगे तो फाइनल जो था वेस्ट इंडीज और इंडिया का, जहां भी रणवीर सिंह का मूवी आएगा तब उसके बाद हम पढ़ने में देखने में इंटरेस्टेड रहते। अभी जब हुई है तब बोला ना गूगल करो, थोड़ी किताब पढ़ो, कुछ देखो, रिसर्च करो, तब कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई पिक्चर आ गया ना, हमारे इंडिया वाले सब फिल्मी है, ज्यादा पिक्चर देखने के बाद ज्यादा हमें प्रभाव पड़ता है। मिल्खा सिंह कौन था क्या नहीं कुछ मालूम नहीं, ज्यादा इंटरेस्ट कब आने लगा जब भाग मिल्खा भाग आई है ना। तो ऐसे ही है। तो 1983 का अगर आप कब देखेंगे या फिर आप कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे या उनके इंटरव्यूज देखोगे तो उन्होंने बोला है कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था इट वॉज अ लो स्कोर गेम। लो स्कोर गेम में उस वक्त 1983 के वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज के बॉलर यानी यमराज माने जाते थे, यमराज, दे वर हैविंग दैट पेस एंड बहुत ही सटीक बाउंसर मारते थे, बहुत सटीक। उस वक्त उस दौर में दहशत थी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की, उन्होंने वही किया, वही बाउंसर पे बाउंसर डालते गए, इंडियंस की कमजोरी को निकालते गए और एक लो स्कोर पे हमारी पूरी टीम इंडिया को आउट कर दिया। लेकिन फिर कपिल देव कहां मानने वाले थे, उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी उन्हीं के ऊपर अप्लाई की, एक लो टोटल गेम को फिर भी इंडिया जीत पाया। हर चीज में परफेक्शन लाने के लिए, अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए एक ही चीज करना है बेटा, वो है प्रैक्टिस। आपको जो जैसा दिया गया है वैसे प्रैक्टिस करो। मेरी उम्मीद अपेक्षा है कि मेरे क्लास में बैठ रहा हर स्टूडेंट पास हो, ही हैज टू क्लियरिंग द एंट्रेंस लेवल एग्जाम ऑफ सीए फाउंडेशन इज लिंबू टिंबू का खेल, ये तो कुछ भी नहीं है। मान लो घर में ऊपर टंकी है पानी की, उसमें सिर्फ तुम्हें तैरना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम है घर की टंकी, इसमें डूबने वाले आप नहीं हो। लेकिन इतना याद रखना, इसके बाद जब दूसरी उड़ी मारनी है इंटर में वो सीधी गोदावरी नदी में है और उसके बाद अरेबियन सी में, ऐसा सिलेबस भागता है। उसके लिए अगर तैयार होना है तो हमारे बेसिक फंडामेंटल लर्निंग का तरीका सही होना चाहिए। ये जो केस लॉ को लिखने का पैटर्न है, ये एक सौगात दे रहा हूं जो आपके साथ सीए फाइनल तक रहेगी। ये आपको पैटर्न, ये राइटिंग हैबिट सीए फाइनल तक काम आने वाली है। तो जो जो चीज बताई जा रही है प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अब हमने पहले क्या किया, गिवन लिख दिया। अभी मुझे बोलो, ऑलरेडी इतना लेंथी पेपर है जहां मैं आपको बता रहा कि 80 मार्क्स के ऊपर कोई अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन पेपर में गिवन में कुछ तो नीचे का नहीं आ रहा, इसलिए गिवन में जबरदस्ती लिखते बैठे तो कुछ कोई सेंस है क्या? आंसर तो आ रहा नहीं, चलो गिवन के अंदर कुछ तो लिखेंगे, उसका तो कुछ मार देंगे, कुछ मार्क नहीं मिलता। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है, सर ने बोला था ये फॉर्मेट है, केस स्टडी का आंसर क्या है मुझे मालूम नहीं, गिवन फैक्ट्स ऑफ केस में क्वेश्चन ही छाप देते, उसमें एक खाद दूसरा तो मार देंगे, बहुत कंजूस है आईसीआई वाले और उनके एग्जामिनर, सीधा जीरो देते। कंसिडरेशन तभी होगा, एटलीस्ट तुम कुछ प्रोविजंस लिखो या फिर एटलीस्ट उसका कंक्लूजन तो भी लिखो।
तब जाकर कुछ ना कुछ उसके अंदर बन सकता है। चलो ठीक है, कोई केस स्टडी आ गया आपको, उसका आपको प्रोविजन लिखने नहीं आ रहा, एटलीस्ट तुमको समझ आया, जैसा तुमने बोला कि नो द इनकम टैक्स ऑफिसर कैन नॉट, एटलीस्ट कंक्लूजन तो भी लिखो, उसमें एक हाथ मार्क तो भी मिल जाएगा। लेकिन गिवन लिखने के मार्क नहीं मिलते, गिवन लिखने के मार्क नहीं मिलते, तो इसमें टाइम पास करने के लिए स्कोप है क्या अपने पास? फटाक से दो या तीन पॉइंट में गिवन लिखना है हमेशा, याद रखो। इज इट ओके? नेक्स्ट, प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस। अभी ये जो केस स्टडी है इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, कोई भी केस स्टडी ले लो भाई, 6 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट आपके सीए फाउंडेशन के कोई भी केस स्टडी में नहीं बनेंगे। मैंने इतनी बड़ी क्वेश्चन आंसर बुक दी है, सब क्वेश्चन आंसर्स केस स्टडीज देख लो, कहीं पर भी कोई केस स्टडी में 15-15, 20-20 पॉइंट नहीं है, टू द पॉइंट, 5-6 पॉइंट में ही आपका आंसर है। अब इसमें मैंने पहला पॉइंट क्या दिया है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसे हमें पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन यहां पे मेंशन करना है। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर द ज्वाइंट ओनर्स ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म। पहले हमने किसका मेंशन किया यहां पर, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि गिवन केस लॉ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर बेस्ड है, विच इज गवर्न्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर द ज्वाइंट ओनर ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म। फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन, समझ में आया पहला पॉइंट कैसे लिखा मैंने। सेकेंड, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स द कंडीशंस रिगार्डिंग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा मैंने, सेकंड पॉइंट, सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स द कंडीशंस रिगार्डिंग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट, सिंस सेक्शन नंबर 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, मतलब सिर्फ सेक्शन नंबर 10 के कंडीशंस फुलफिल करो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है क्या? नहीं, हम सभी को मालूम है देर आर सेवरल अदर कंडीशंस। आप आपके हिसाब से इजी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्शन नंबर 10 इज नॉट कंक्लूसिव एसेंशियल्स, देर आर सेवरल अदर एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने इसको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में कैसा लिखा है, सिंस सेक्शन नंबर 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, देर आर सर्टन अदर कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, required to form a valid contract। और ये लैंग्वेज में सफाई तभी आएगी जब आप मॉड्यूल की रीडिंग करोगे, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको मॉड्यूल 10 बार पढ़ना है। जब आप मॉड्यूल बार बार पढ़ोगे तो अपने आप जो प्रोविजंस लिखोगे उस लिखाई में थोड़ा बहुत लॉ का या मॉड्यूल का लैंग्वेज डिपिक्ट होगा। 100% कॉपी पेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन 25% क्यों ना हो, आपके लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट, अब सेवरल अदर कंडीशंस विच आर नॉट गिवन इन सेक्शन नंबर 10 बट आर एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब यहां पे कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है, टू पार्टीज वाला, कौन सा, टू पार्टीज। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखूंगा, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद वन सेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट शुड इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, लिखा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, इन द अबव गिवन एग्जाम्पल द पार्टनर देमसेल्फ आर द ओनर्स ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म। क्या लिखा मैंने, इन द अबव गिवन एग्जाम्पल द पार्टनर्स देमसेल्फ आर द ओनर्स ऑफ द असेट्स ऑफ द फर्म। अब देखो, मैं कल बता रहा था कि केस लॉ को इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कभी भी केस स्टडी आता है जो किसी केस लॉ पे बेस्ड है तो जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ द केस लॉ इज मोर देन सफिशियंट। अब आप सबको मालूम है ये गिवन जो केस स्टडी मैंने दी इस पे कौन सा केस लॉ बनता है, रमन, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। तो पॉइंट ए क्या है मेरा, ए पॉइंट है मेरा गिवन, बी पॉइंट है मेरा प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस। प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस होने के बाद सी पॉइंट आपको लिखना है रेलेवेंट केस लॉ, सिर्फ नाम मेंशन करना है। क्या है रेलेवेंट केस लॉ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। पूरे आपके सीए फाउंडेशन के पूरे सिलेबस में बेटा 20 या 25 मैक्सिमम केस लॉ होंगे। डेफिनेशन चालीसा की बुक में डेफिनेशंस लिखो, डेफिनेशन चालीसा की बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, उनकी मेमोरी टेक्निक कराओ, वो पॉइंट्स को वापस से याद करो, और साथ साथ एक लास्ट में फॉर्मेट बनाना
उस फॉर्मेट के अंदर केस लॉ का नाम और वो कौन से पॉइंट पे एप्लीकेबल है उसका एक पूरा समरी बना लेना, ताकि 25 एक केस लॉ पढ़ने के लिए 15 मिनट लगते हैं, वो भी कब, जब वो सब चीजें सब केस लॉ एक जगह पे नोटेड हो तो। सब केस लॉ अगर एक जगह पे नोटेड हो तो कौन सी केस लॉ कौन से पॉइंट को एप्लीकेबल है, ऐसे 25 एक केस लॉ आपके पूरे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में है, उन सभी केस लॉ को जॉट डाउन करो, उसके सामने जिस पॉइंट से वो एप्लीकेबल है उस पॉइंट को लिखो। बहुत सिंपल बात बोली थी मैंने डेफिनेशन बुक की, कितने लोगों ने बनाए, हाथ ऊपर करो, अच्छे से ऊपर करो, अच्छे से एकदम ऊपर करो, ठीक है, नहीं तो खड़े हो जाओ, मेरे को भी समझ में आता, चलो खड़े हो जाओ दो मिनट, जितने लोगों ने डेफिनेशन बुक बनाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, डेफिनेशन बुक जितने ने बनाई खड़े हो जाओ, बाकियों के पास टाइम नहीं होगा बनाने के लिए, है ना, बाकियों के पास टाइम नहीं होगा बुक लेने के लिए, सर बुक नहीं थी, अब कौन जाना, कौन बुक लेना, कब बनाना और क्या करना। अच्छा, डेफिनेशन बुक आप सभी लोगों ने बनाई, सुबह उठने के बाद डेफिनेशन बुक कितने लोगों ने पढ़ी वो खड़े रहो, जिन जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है बनाने के बाद वो बैठ जाओ। अच्छा, तुमने बनाई भी और पढ़ी भी, बोला जैसे, हाँ ठीक है, अब उनको तो कोई पर्याय नहीं कि उनका मे अटेम्प्ट है, अपने को अभी भी लग रहा है मे 2022 दिखने के लिए मे 2022 लगता है, लेकिन ऐसा आएगा मे 2022। सोने से पहले उठने के बाद कंपलसरी रूटीन लगाओ डेफिनेशन के बुक का, अगर आप इस सब्जेक्ट की मास्टरी चाहते हो, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। अब वो अकेली फॉलो कर रही है तो आने वाले पेपर में उसके मार्क्स कंपेयर कर लेना, तुम्हारे मार्क्स कंपेयर कर लेना, फर्क समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब रेलेवेंट केस लॉ केस स्टडी को कौन सा एप्लीकेबल है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। सर क्या हमेशा केस लॉ लिखना कंपलसरी है? नो, इफ यू नो द केस लॉ एप्लीकेबल टू केस स्टडी देन ओनली मेंशन द नेम ऑफ द केस लॉ। अगर आपको एप्लीकेबल केस स्टडी के ऊपर केस लॉ पता नहीं है तो ये वाला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या मेरे मार्क कट होंगे? नहीं, कहीं पर भी सीए फाउंडेशन के लॉ के सिलेबस में केस स्टडी का उल्लेख होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप केस स्टडी का नाम लिखते हो तो ओवरऑल मार्क्स के अंदर आपको थोड़ा मिलने में फायदा हो सकता है, लेकिन केस स्टडी का नाम अगर नहीं लिखते हो तो उसमें नुकसान भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो कि आप में कितना नॉलेज है, आप इस सब्जेक्ट के कितने मास्टर हो, तो उसके लिए आपको केस स्टडी जहां जहां पर है वो नाम वहां पर मेंशन करना है। समझ में आया केस स्टडी का यूज कैसे करते हैं पेपर में? सिर्फ नाम मेंशन करना है, खत्म। अब मैं जज हूं, गिवन केस के फैक्ट्स मैंने लिख दिए, जो मुझे लगता है प्रोविजंस इस केस स्टडी को एप्लीकेबल है उनको लिस्ट आउट कर दिया, उसके बाद जो रिलेवेंट केस लॉ जो मुझे पता थी उसका नाम मैंने वहां पर मेंशन कर दिया। अब बारी आई फैसले की, दैट इज कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजंस द इनकम टैक्स ऑफिसर वांट्स टू टैक्स द अबव ट्रांजैक्शन। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल, एक सेकंड, सीधा कंक्लूजन क्या लिखा मैंने, इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन प्रोविजन द इनकम टैक्स ऑफिसर कैनॉट टैक्स द अबव ट्रांजैक्शन। कंक्लूजन वैसे ही एक या दो लाइन में लिखो और खत्म करो, एक या दो लाइन में लिखो खत्म करो। समझ में आ रही बात? केस स्टडी के ऊपर और कुछ लिखना है, जैसे मैंने लिखा इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इन द गिवन केस लॉ द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स, सो दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जॉइंट ओनरशिप टू सिंगल ओनरशिप, सो देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप। और कुछ भी तुमको केस स्टडी के ऊपर लिखना है, जितना भी मैक्सिमम चीजें लिखना है वो प्रोविजंस गवर्निंग केस में ही लिखना। जो कुछ भी आप अपना जस्टिफिकेशन देना चाहते हो केस स्टडी के ऊपर, जो कुछ भी अपने रीजंस देना चाहते हो, जो कुछ भी अपने पॉइंट्स देना चाहते हो, वो कहां पर दोगे बेटा? प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस, यानी इस क्वेश्चन का मेन हार्ट क्या है, मेन पार्ट क्या है? प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस।
केस स्टडी पढ़ने के बाद जो जो चीजें तुम्हें लगती है, इस प्रोविजंस, ये चीजें, वो सब चीजें आपको वही लिखनी है। कंक्लूजन भी एक या दो पॉइंट में होना चाहिए। यहां पे एक पॉइंट में मैंने कंक्लूजन लिया, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस द इनकम टैक्स ऑफिसर कैनॉट टैक्स द अबव ट्रांजेक्शन। डू यू थिंक केस स्टडी इज डिफिकल्ट? ये डिफिकल्ट है? इज इट डिफिकल्ट? इज इट डिफिकल्ट? डू यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट? यू आर नॉट फाइंडिंग इट डिफिकल्ट बिकॉज यू आर क्लियर विद द प्रोविजंस, यू आर क्लियर विद द प्रोविजंस। इसीलिए पूरा पढ़ना, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जब आप रीडिंग करोगे तो ही लिख पाओगे, रीडिंग नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे? समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? सो दिस इज हाउ वी राइट अ केस स्टडी इन सीए फाउंडेशन लॉ। इतनी केस स्टडी 4 मार्क से 6 मार्क के लिए आती है, 4 मार्क से लेकर 6 मार्क तक के लिए केस स्टडी आती है। किसी को कुछ पूछना है केस स्टडी के बारे में, राइटिंग ऑफ केस स्टडी? हाँ, सेक्शन नंबर अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग एल्स? हाँ, गलत लिखने का ही नहीं, मैं अभी सिंपल क्या बोला, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने सिंपल बात बोली बेटा आयुष, केस लॉ लिखना कंपलसरी नहीं है, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कट होते। तो जब पता है तो ही लिखो, गलत क्यों लिखते बेटा? फेंका फाकी नहीं करने की है, एमसीक्यू थोड़ी है, तुक्का लग गया तो लग गया। हाँ, एनीवन एल्स? कोई और कुछ पूछना चाहेगा? यस, एनीथिंग एल्स? चलो, नाउ सेकंड पॉइंट इन पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10। सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10, उन सभी का अपन यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। सर, सेक्शन नंबर 10 के एसेंशियल्स क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? क्योंकि बेटा उसके ऊपर पूरा यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 जब हम डिस्कस करेंगे, दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट एसेंशियल्स ऑफ फॉर्मिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10। सेकंड पॉइंट क्या है? पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। रश्मिका, कटरीना, डैडी, इन सभी अग्रीमेंट में क्या कहीं पर भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? हाँ या ना? सो इन केस ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट, देयर इज लैक ऑफ इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू द अग्रीमेंट। हेंस एज देयर इज लैक ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एज देयर इज लैक ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। और इसी आधार पर कोर्ट ने कह दिया, कोई भी अग्रीमेंट में अगर दोनों पार्टीज आर नॉट इंटेंडिंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट कैनॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज प्रोवाइडेड एज इसेंशियल कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसके दिमाग में बात क्लियर होनी चाहिए, बोथ द पार्टीज आर इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे विष्णु, गणेश सोल्ड हिज बाइक टू विष्णु, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में बोथ द पार्टीज आर इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। हाँ या ना? It is but understood fact, right? Wherever there is intention to create legal relationship, there is contract. If there is no intention to create legal relationship, there is no contract. That agreement will be domestic or social in nature. Are we okay? Are we okay? The parties to the agreement should intend to create the legal relationship. Agreements of social or domestic nature cannot be contract as are not enforceable by law. देखो मैंने क्या कहा? Other essentials to form a valid contract which are not expressly provided in section number 10 are outcome of various case law which came in front of the court. जैसे हमने देखा State of Gujarat versus Raman Lalan Company, ये जो केस कोर्ट के सामने आई, तब जाकर कोर्ट को ये समझ में आया essentials of valid contract section number 10 में दिए गए हैं, उसके बावजूद two parties to the contract होना जरूरी है, ये point भी होना चाहिए, तब एक valid contract बनेगा। ये कब समझ में आया? ऐसा point होना चाहिए जब स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लालन कंपनी का केस कोर्ट के सामने आया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, इसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10, ये सभी पॉइंट्स के अंदर हम केस स्टडी देखेंगे जिसके बेसिस पे ये पॉइंट इसेंशियल बना है।
कल का हमने समझ लिया टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये किसके बेसिस पे है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। अब पॉइंट क्या है, पार्टी शुड इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ, दैट इज बल्फर वर्सेस बल्फर, बल्फर वर्सेस बल्फर। अभी केस लॉ जो है, केस लॉ अब हमें देखना है, जहां जहां पर मैंने कहा केस लॉ जरूरी है मैं उसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, जहां जहां पर केस लॉ का डिस्कशन डिटेल में जरूरी नहीं है वहां पर मैं स्किप करके सिर्फ नाम आपको बता दूंगा। इज इट ओके, इज इट ओके। अब ये जो अदर इसेंशियल्स है इसके सभी केस लॉ जरूरी है, इसलिए हर एक पॉइंट को पूरे ठीक तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बल्फर वर्सेस बल्फर, इस केस लॉ के फैक्ट्स क्या है, द गिवन केस लॉ टॉक्स अबाउट एन अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ। इससे पहले कि मैं केस लॉ के आगे के पॉइंट पढ़ू, आपको समझता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच के अग्रीमेंट क्या है, एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। एंड इन केस ऑफ डोमेस्टिक अग्रीमेंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप आर मिसिंग, है या ना। हस्बैंड वॉज वर्किंग अब्रॉड फॉर अ टाइम बींग, हस्बैंड हैड प्रॉमिस्ड टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ एज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू हिज वाइफ, हस्बैंड फेल्ड टू पे द अग्रीड अमाउंट, wife sued the husband for recovery of the amount, conclusion held that agreement between house and wife is a domestic agreement, hence wife cannot recover the same amount, right? Let's say ye hamara isnu hai and शुभ मंगल सावधान। सो इस्नु और रश्मिका की शादी हो चुकी है, राइट? पार्टी ले लेना तुम इस्नु से, राइट? देखो कसक गोल गोल टमाटर के लाल लाल, शर्मा मैं हूं, शर्मा तू रहा है रश्मिका से, सर रश्मिका इस्नु जाधव, नाइस। सो शादी हमारी इस्नु की हो चुकी है, जूली लोटपोट के रास्ते पे नागिन डांस कर चुके हैं, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, हम जैसे फ्री के सर जो बूढ़े हो चुके थे तब तक, सॉरी फॉरएवर 21 जाके थाली में ले लेकर मस्त खाना वीना खा चुके हैं, फ्री के अजमेरा जैसे हमारे जो दोस्त थे बस कोने में बैठ के मस्त खाने पीने का मजा ले रहे हैं, गणेश हमारा सकुने बोल के परेशान है, गणेश पूछ रहा है कि रश्मि का भाभीला विचार कोने आए क्या, बहन भीन माजा जोड़ लाऊं दे। तो शादी के माहौल में शादी विधि तो हो गई, अब रश्मिका बन चुकी है रश्मिका इस्नु जाधव, ठीक है, ओके। थोड़ा ध्यान दो, ओ यहाँ शादी ब्याह की इतनी जरूरी बातें चल रही, तुमको क्या बातें सुझ रही है, हाँ भंडारी समझ नहीं आ रहा तुम्हें, या इंसान का घर बसने जा रहा है, सीरियस बातें चल रही है, तुम मजाक कर रहे हो, ध्यान दो पानी हो तुम्हें, ए दायमा ध्यान दे इधर, ए और दायमा मूवीज की शूटिंग चालू है, दायमा मूवीज की शूटिंग चालू है शादी की सिस्टमैटिक, और दायमा जी कैमरामैन के साथ, सोहम दायमा कैमरामैन जूली के साथ आज तक, सब शादी हो चुकी है इस्नु और मिसेस रश्मिका जाधव की। सो शादी होने के बाद, बट ऑब्वियस रश्मिका अपना करियर इस्नु के लिए तो नहीं छोड़ने वाली, तो वो इस्नु को छोड़ देगी, इस्नु को छोड़ देगी लेकिन अपना करियर सैक्रिफाइस नहीं करेगी, ऐसी बातें उसने क्लियरली बताई थी, आई बाबांना सांगून दे मी नंतर पण एक्टिंग करणार, क्योंकि लिए मेरे एक्टिंग है मेरे लिए जीवन है, हमारे बड़ा महत्ति तो कह खांची करो नको, नो वरीज जैसा तुम बोलो, ठीक है।
अब देखो, लेकिन फिर दोनों में बातें चली, थोड़े शादी के एक दो साल ब्याह के हो गए, फिर अब बोले कि नहीं नहीं एक काम करो, बोले आप घर पे रहो, पापा मम्मी चाहते हैं कि बहू घर में रहे, घर में थोड़ा काम करे। तो फिर रश्मिका बोलती है फिर अपना आनंद पप्पू कैसे चलेगा? तो बोले चिंता मत करो, उसका मैं सोच के रखा हूँ। बोले क्या? मैं सीए बन चुका हूँ, मुझे अब्रॉड दुबई में बहुत बड़ी जॉब लगी है। तो अभी दिनेश सर की दुआ से, आशीर्वाद से मैं सीए बन चुका हूँ और मुझे दुबई में बहुत बड़ा पैकेज लगा है और दुबई के इस नौकरी में मुझे सालाना 1 करोड़ रुपए की सैलरी मिलने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? अभी नया नया जॉब है, मुझे दुबई जाके सेटल होने में अभी एक हद दूसरा साल लगेगा, 1-2 साल तुम्हें पापा मम्मी के पास यहाँ परभनी में रहना पड़ेगा। हाँ टेढ़ा है क्या? तो परभनी में तुम्हें रहना पड़ेगा पापा मम्मी के साथ, तब तक मैं 1-2 साल वहां जाता हूँ, सेट करता हूँ, सेटिंग करता हूँ, पैसे कमाता हूँ और फिर बाद में आता हूँ। लेकिन वो रश्मिका है, वो बोले ठीक है तुम जाना चाहते हो जाओ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा मेंटेनेंस कैसे निकलेगा, इतने सारे वो मेरे मेकअप वाले ये वो, हाँ हूँ, शूटिंग वूटिंग कहीं जाना करना है। तो बोले चिंता मत करो, एक काम करो, आप परभनी में रहो या फिर मुंबई में रहो, अपना शूटिंग का काम करते रहो, मैं दुबई में अब्रॉड जाता हूँ, अब्रॉड जाकर वहाँ पे अच्छा काम करता हूँ, कमाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, अपने सपनों का घर हम पुनः वहाँ बसाएंगे। तो फिर तब तक के लिए आप यहाँ रुको, एक काम करो आप यहीं पे रहो, महीने के 2 लाख रुपए मैं आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भेजता रहूँगा ताकि आपका पेंटिंग पेंटिंग यानी मेकअप वेकअप चलता रहे, राइट? आप मेंटेन होते रहो, इसीलिए महीने के 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीज पर मंथ मैं मेंटेनेंस आपको भेजता रहूंगा। सो विष्णु ने प्रॉमिस किया रश्मिका को कि महीने के 2 लाख रुपए महीने के 2 लाख रुपए तुम्हें मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में भेजता रहूंगा और बाद में अपन घर वहां ले लेंगे और फिर शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन विष्णु एंड रश्मिका वेयर विष्णु हैज प्रॉमिस टू पे 2 लाख रुपीज पर मंथ एज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू रश्मिका। ओके, नाउ देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। विष्णु जाता है दुबई, दुबई में जाता है बुर्ज खलीफा और वहां पे हीरोइन कौन सी आती फिर? आप जाते हो, तो विष्णु जाता है दुबई, विष्णु जाता है तो विष्णु जाता है दुबई, अरे गंदे विचार वाले लोगों, थोड़ा शुद्ध विचार रखो रे, खाना शुद्ध खाया करो, छी गंदे बच्चे, कौन है चावट ये वरत है क्या अजमेरा सावट? अरे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अक्षय कुमार के साथ वो डांस करती ना, क्या नाम है उसका, तिवारा। हाँ तो अभी हमारा विष्णु जॉब कर रहा है दुबई, चलो मुद्दे पे आओ, हमारा विष्णु जो है दुबई में घूम रहा है, काम कर रहा है और फिर बाद में अचानक वो बुर्ज खलीफा के पास जाता है, वहाँ कियारा अक्षय कुमार के साथ डांस कर रही होती है और वो गाना चल तीनों दिला तो बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा, तो देखते देखते विष्णु इंप्रेस हो जाता है, आई लव मस्त दिखती है छोकरे। विष्णु जाता है, हेलो आई एम सी विष्णु जाधव फ्रॉम परभनी, तो बोलती बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, आप मस्त डांस करते एकदम, हमारे रश्मिका से भी मस्त करते एकदम, राइट? तो फिर अभी पति पत्नी और वो, तो पति पत्नी और वो के चक्कर में अब कियारा स्टोरी में आ गई है। जैसे ही कियारा स्टोरी में आ गई, विष्णु भूल गया कि उसकी रश्मिका नाम की कोई पत्नी भी है, जब ज्यादा बन चुकी है परभनी में है और उसको कुछ मेंटेनेंस 2 लाख रुपए का देना का, सब भूल गया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल निकल गया, विष्णु ने ना 1 रुपया भेजा ना ढेला। रश्मिका यहां पर टेंशन टेंशन में बहुत गर्म हो गई, ऐसे कैसे
टाइम पास कर दिया मेरे साथ, शादी कर लिया, मेंटेनेंस एक्सपेंस देते, बोले एक रुपया नहीं दिया। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। रश्मिका जाती है कोर्ट में, कोर्ट में जाके इसनू जादव के नाम पे केस करो, ये व्यक्ति चीटर है, ये चीटर व्यक्ति ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं 2 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस एक्सपेंस दूंगा, लेकिन अब जब देने की बारी आई तो पिछले 1 साल से 1 फूटी कौड़ी मुझे नहीं दी है। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मैंने अपना करियर, अपनी शूटिंग, अपनी फिल्म, अपना नाम शाम शौहरत सब कुछ ऐसे लड़के के लिए लगा दिया। जो कि कियारा के साथ दुबई की सड़कों पे घूम रहा है, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकी हो की खुशी बेहिसाब है, तुझसे जो आज में ही तेरे ही विशाल आए, मैं जो तुझ में दूर हूँ क्यों दूर मैं रहूं, तेरा सुरूर हूँ तू फासले मिटा तू क्यों। तो बोले जज साहब ये क्या चल रहा है, तो विष्णु बोला कुछ नहीं, बोले क्या मेरे सोनिया सोनिया रे। तो आप बेटा कोर्ट के सामने चीजें चले गई, कोर्ट क्या बोलता है, आप मिसेस रश्मिका विष्णु जाधव, आप विष्णु जाधव, अब इन दोनों के बीच का केस है। कानून में इंसाफ जज्बातों से होता है कि एक्ट के मुताबिक होता है, एक्ट के मुताबिक। पति और पत्नी के बीच में जो अग्रीमेंट होती है वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट होती है, वेर बोथ द पार्टीज आर नॉट इंटेंडिंग टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। यस और नो? ऐसे तो बहुत से प्रॉमिस आपके पापा आपके मम्मी को करते होंगे, आए दिन झगड़े चालू रहते, बर्तन भांडे फेंकते नहीं फेंकते, नहीं फेंकते, सीधे चूड़िया का डब्बे जगह फेंकते होंगे। गोरिया कलैया पिना दे मुझे हरी हरी चूड़िया। तो अब कोर्ट क्या बोलता है, बेटा रश्मिका तुम्हारे भावनाओं को मैं समझता हूं, तुम्हारी भावनाओं से सद्भावना में रखता हूं, लेकिन बेटा मैं जज हूं, जज का काम है कि फैसला करे, इंसाफ सुनाए, और इंसाफ कानून के मुताबिक होता है। बड़ा अन्यायी है इसने, बहुत अन्याय किया इसने तुम्हारे साथ, बेख्याली गाता है रुक, लेकिन बेटा कानून के अगर देर है अंधेर भी है, क्योंकि अभी हमारे यहां पर जो फैसला होता है बेटा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दायरे के मुताबिक है, जो कि कहता है टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप there cannot be a valid agreement. If there is no valid agreement, there is no valid contract. And if there is no valid contract, it cannot be enforced in the court of law. Are we okay? So, इस हिसाब से रश्मिका किसी भी हालत में विष्णु के खिलाफ कोई भी कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकती है। यही केस लॉ है बालफर वर्सेस बालफर, जहां पे बालफर यानी मिस्टर बालफर है जो विष्णु है, और रश्मिका के जगह पे मिसेस बालफर है। तो पत्नी ने अपने पति के ऊपर केस किया है, दोनों भी बालफर है क्योंकि दोनों का सरनेम शादी के बाद सेम होता है, इसीलिए केस स्टडी में नाम है बालफर वर्सेस बालफर, एक्चुअली इट इज मिसेस बालफर वर्सेस मिस्टर बालफर, जहां पर पत्नी अपने पति के ऊपर केस कर रही है कि आपने मुझे वादा किया था मेंटेनेंस एक्सपेंस देंगे अब्रॉड जाने के बाद, अब्रॉड तो चले गए वहां पे छैया छैया कर रहे हो और यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रहे, राइट? वहां छैया छैया चल रहे हैं, हम यहाँ चपातियां कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? समझ में आया केस लॉ? केस लॉ समझ में आया क्या? देखो अब केस स्टडी, एक और केस स्टडी देख लो, एक और केस स्टडी अगर देख लोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि केस स्टडी को लिखते कैसे हैं। एग्जांपल क्या है, नंदन हैड प्रॉमिस हिज मदर फॉर पेमेंट ऑफ सर्टन अमाउंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टिफिन
After a few months, Nandan failed to pay the agreed amount. Can her mother sue Nandan for recovery of the amount? अभी नंदन समझ लो तुम सब अपने क्लास को आते हो, क्लास में आते हो तो टिफिन साथ में लेकर आना है, टिफिन ला रहे हो साथ में, तुमने ऐसे हंसते हंसते बोल दिया मम्मी को, मम्मी तुम रोज टिफिन दे रहे हो, ऐसा लग रहा है मेज का टिफिन जैसे रोज तुम टिफिन बनाकर दे रहे हो टाइम से, कोई बात नहीं आप मुझे रोज टिफिन दे रहे हो, इतना मेरा काम कर रहे हो, तो मैं आपको क्या करूंगा इस टिफिन के बदले में हर महीने 2000 रुपये मेरे पॉकेट मनी से बचा के दूंगा, राइट। आपने ऐसा वादा अपने मम्मी को कर दिया है और एक महीना हो गया, फिर मम्मी उम्मीद कर रही है कि तुम तुम्हारे पॉकेट मनी से 2000 रुपये निकाल के दो, लेकिन आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो बोले मम्मी मैं मजाक किया था, आई वॉज जस्ट जोकिंग मम्मा मिया, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो फिर मम्मी बोली अच्छा, मम्मी फिर कोर्ट में लेकर जाती है, कोर्ट में जाकर बोले जज साहब मेरे बच्चे पे केस कर दो, फिर बच्चे बोलते मम्मी ये क्या है, आई वॉज जस्ट जोकिंग, है ना, मम्मी क्या बोलते फिर, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मम्मी ने केस कर दिया, केस करने के बाद जज बोले, बोले बताओ क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, ये मेरा नालायक बेटा, ये मेरा नालायक बेटा मुझे बोल रहा है अपने पॉकेट मनी से 2000 रुपये बचा के दूंगा, मैं रोज टिफिन बनाती रही ये उम्मीद से कि महीने के बाद ये पॉकेट मनी से 2000 रुपये दूंगा देगा और फिर बाद में पैठनी साड़ी लूंगी, यहां मेरे पूरे सपनों पे पानी फेर दिया, ये बच्चा बहुत नालायक है, आप इसे सजा दीजिए जज साहब। जज साहब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जज साहब, माता जी आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, आपके बेटे ने वादा किया था, नालायक है जो वो सुना नहीं मम्मी की बात, लेकिन यहां पे इंसाफ नहीं मिलेगा बिकॉज अग्रीमेंट बिटवीन यू इज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज इज मिसिंग, हेंस दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर सन कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, यस और नो। अभी केस स्टडी ऐसे के ऐसे 4 मार्क के लिए आ गया और वहां पर क्या बोल रहा है, Can her mother sue Nandan for recovery of the amount? Can she or can she not? Recover कर सकती है कि मम्मी पैसे कर सकती है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि intention to create legal relationship missing है और ये एक domestic agreement है। Provisions क्या है आपके दिमाग में clear है, अभी सिर्फ इसे paper पे उतारना है। शुरुआत किससे करते हैं? Given और facts of case। दो पॉइंट में लिख दिया, नंदन हैज प्रॉमिस्ड हिज मदर फॉर पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिफिन, आफ्टर फ्यू मंथ्स नंदन फेल्ड टू पे द एग्रीड अमाउंट। नाउ प्रोविजंस गवर्निंग अबाउ केस, ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं मैं, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स फॉर एसेंशियल्स ऑफ, एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स कंडीशंस रिगार्डिंग एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Section 10 is not complete and exhaustive. There are certain other conditions which are required to form a valid contract. Next point, the parties to the agreement should intend to create a legal relationship. Agreement of social and domestic nature cannot be a contract as are not enforceable by law. See the conclusion pe aa gaya. In the lights of the above mentioned provisions, Nandan mother cannot sue Nandan for recovery of the amount. So much precise, to the point and so much short. You will get 100% marks. समझ में आ रहा है कि case study कैसे लिखना है? समझ में आ रहा है? तो अगली बार पूरा साल खत्म होने तक गलती से भी तुम में से कोई मेरे पास मत आना कि सर case study कैसे लिखते हैं। एक आधे case study पे ऊपर तुम्हें provisions नहीं समझ में आ रहे तो वो मुझे पूछ लो, मैं तुम्हें provisions कौन से उस पर applicable होंगी वो समझा दूंगा, लेकिन case study लिखना कैसा है ये सवाल वापस कभी भी मत पूछना, इतनी उम्मीद तो मैं रख सकता हूं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो यहां पे डी पॉइंट, एक्चुअली ये सी पॉइंट होना चाहिए कंक्लूजन के ऊपर। रेलेवेंट केस लॉ क्या था हमारा? बालफर वर्सेस बालफर। हमें मालूम था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर केस लॉ है, कौन सा है? बालफर वर्सेस बालफर। तो वो कंक्लूजन के पहले सी रेलेवेंट केस लॉ बालफर वर्सेस बालफर वहां पर लिखना है। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है केस स्टडी को? केस स्टडी के अंदर केस लॉ कैसे मेंशन करना है समझ में आ रहा है? लिखना कैसे समझ में आ रहा है? फॉर्मेट समझ में आया? फैक्ट्स ऑफ केस और गिवन, प्रोविजंस गवर्निंग अबव केस, देन रेलेवेंट केस लॉ और फिर उसके बाद में कंक्लूजन। अभी ओके राइट। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। इन सर्टन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट शुड बी स्पेसिफिकली इन राइटिंग और रजिस्टर्ड अंडर द एप्लीकेबल लॉस। फेलियर ऑफ द अबव मेंशन कंडीशंस कैनॉट लीड टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली अग्रीमेंट ये राइटिंग में और रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि
जब हम कभी भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री होना कंपलसरी है, आया ना, राइट। मैंने विष्णु का घर ले लिया 50 लाख रुपए में और उसको 50 लाख रुपए दे दिया, उसने बॉन्ड पे लिख के मुझे दे दिया कि यह घर मैंने सर को 50 लाख में बेच दिया है। इज दिस अग्रीमेंट अ वैलिड अग्रीमेंट? इज दिस अग्रीमेंट अ वैलिड अग्रीमेंट? नो, आई हैव जस्ट टेकन इट इन राइटिंग ऑन अ बॉन्ड। इसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक जब कभी भी कोई व्यक्ति कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए। सिर्फ बॉन्ड पे लिख के लेने से रजिस्टर्ड होल्डर आप नहीं बनते। जो रजिस्ट्रार होता है परभनी में, लैंड रिकॉर्ड का रजिस्टर जो है, आरटीओ ऑफिस जो है क्या, वहीं पर रजिस्ट्रार है, वहां जाकर बकायदा मुझे सारा रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, रजिस्ट्री मेरे नाम पे करवानी होगी, फिर लैंड रिकॉर्ड के नाम में जो मालिकाना हक घर पे विष्णु का था उस पे से विष्णु का नाम हटाया जाएगा, फिर मेरा नाम एंटर कर लिया जाएगा, फिर जाके मैं रजिस्ट्री होने के बाद उस घर का मालिक कहलाया जाऊंगा। अगर मैंने एग्रीमेंट कर लिया, सेल एग्रीमेंट कर लिया घर का, और सिर्फ एक कोरे बॉन्ड पे लिखकर ले लिया कि यह घर विष्णु ने मुझे बेचा है, रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में ओनर कौन रहेगा? विष्णु। रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में ओनर कौन होगा? विष्णु। तो ये मेरी और इसकी अग्रीमेंट कभी भी वैलिड अग्रीमेंट प्रूव ही नहीं हो पाएगा। अगर मुझे मेरे और विष्णु के बीच के अग्रीमेंट को वैलिड अगर प्रूव करना है तो मुझे नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, जो ये कहती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हो तो उसके लिए रजिस्ट्री होना कंपलसरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडिफिनिट। वेग इनडिफिनिट नहीं होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। आई प्रोमिस टू सेल माई बाइक, मोपेड बाइक टू विष्णु। विष्णु हैज अग्रीड टू बाय सेम फॉर ₹30,000, बट आई हैवंट क्लेरिफाइड विच बाइक आई वॉन्ट टू सेल, बिकॉज आई हैव 3 bikes, आई हैव एविएटर, आई हैव एक्टिवा आई एंड आई हैव एक्टिवा 3G. आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम सेलिंग माई एक्टिवा आई and Vishnu is assuming that he is going to buy my aviator bike. Now is there certainty of meaning in the contract? Is there certainty of the meaning in the contract? No, as there is lack of certainty of meaning between the contract, as there is lack of certainty in the meaning of the contract is not valid, because both the parties, certainty of meaning kab hota hai? Yes, my dear friends, certainty of meaning contract mein tabhi hoga जब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्शियस एड इडम होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्शियस एड इडम होगा। कॉन्शियस एड इडम का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये वर्ड जो है लॉ में कॉन्शियस एड इडम, इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेम थिंग इन द सेम सेंस। I have sold, I have proposed, I have offered to sell my bike for ₹30,000. Vishnu has accepted. Is there conscious as Adam? No, because I am expecting कि मैं एक्टिवा आई बेच रहा हूं। विष्णु को यह लग रहा है कि वो एविएटर खरीद रहा है। तो क्या there is certainty of meaning? Is there certainty of meaning? Is there conscious as Adam between the parties to the contract? Are both the parties understanding the contract in the same thing, in the same sense? Yes or no? Are we both parties understanding the contract, the same thing in the same sense? No. I am understanding that I am selling my Activa I. His understanding is he is going to buy Aviator. So both the parties are not understanding the contract in the same thing in the same sense. Whenever conscious ad Adam is absent, there is lack of certainty of meaning. If there is lack of certainty of meaning, the contract cannot be a valid contract. Are you getting my point? Yes or no? Any doubt? Any question? Chalo. Next point, possibility of performance of contract. The agreement should be such that performance of same should be possible. Jaise ki Bhale promises Katrina or proposes Katrina, will you marry me? And Katrina ji boli, haan, main tumse shaadi to kar lungi Bhale, lekin ye to batao, tum mere liye kya kar sakte ho? क्या नहीं कर सकता कटरीना? कटरीना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। अरे क्या कर सकते हो पहले ये तो बताओ। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा कटरीना, मैं तुम्हारे लिए
चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। अब मुझे बोलो, अग्रीमेंट में जो प्रॉमिस कर रहा है हमारा भाले, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म? नो। सो द अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड ड्यू टू नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? हाँ या ना? अब एक और मुद्दा, एक और पॉइंट है यहां पे, एक और एग्जांपल लो। मेरे और इशिता के बीच में एक अग्रीमेंट है जहां पे इशिता हैज प्रॉमिस्ड मी टू गिव 50 लाख रुपीज एंड आई हैव प्रॉमिस्ड टू हर कि मैं आपको 3 मंजिला बिल्डिंग 30 दिन के अंदर बना के दूंगा। हम दोनों अग्रीमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों को भी मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फॉर मी और एनी पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 3-स्टोरीड बिल्डिंग इन 30 डेज? इज इट पॉसिबल? सो कैन आई से द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? यस और नो? जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट होगी और अग्रीमेंट में जो परफॉर्मेंस प्रॉमिस किया गया है अगर वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं होता। भले ही हम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट है वो अग्रीमेंट हर मायने से इसेंशियल्स ऑफ सेक्शन नंबर 10 की पूरी करते हैं, लेकिन अदर इसेंशियल्स में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट हम मीटअप नहीं करते, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है दैट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। एज द कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म इट इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट एंड हेंस इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। कोर्ट ये बोलेगा, अब बाद में 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद मैं घर बना के नहीं दे पाया, इशिता ने पैसे दिया, अब इशिता मुझे कोर्ट में लेकर जा रही, कोर्ट पे जाके मेरे से केस कर रही है, तो जज साहब ये नहीं बोलेंगे, अब जाके इशिता बोल रही है कि सेक्शन नंबर 10 देखो, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10 सारे पॉइंट्स पढ़ाकर सुना रही है जज साहब को और बोल रही है कि सब पॉइंट्स हो रहे हैं, तो मुझे सर से कंपनसेशन चाहिए। कोर्ट क्या बोलेगा? देयर आर सर्टन अदर कंडीशंस व्हिच आर एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पॉइंट है बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अनडाउटेडली आपने एक प्रॉपर अग्रीमेंट सर के पास किया है, लेकिन उसके अंदर जो टाइम पीरियड दिया है 30 दिन का, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ये छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि 3 मंजिला इमारत आरसीसी वर्क के साथ 30 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकती। एक इम्पॉसिबल अग्रीमेंट में आप एंटर हुए हो तो आप उसको एनफोर्सिबल नहीं कर सकते। कटरीना ने बोला ठीक है, और बाद में भाले जो है चांद तारे तो तोड़कर लाने से रहा, और फिर कटरीना जज के पास लेके जा रही तो बोले इस भाले को फांसी पे लटका दो इसको फांसी पे लटका दो। बोले क्यों? तो बोले इसने बोला था चांद तारे में लेकर आऊंगा लेकिन ला नहीं रहा है। जज साहब क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, योर अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, योर अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड। एज योर अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ बिकॉज देर इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अरे बेटे माय पॉइंट? यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट अग्रीमेंट। अब देखो ये सारे पॉइंट है जो कि एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है इन सेक्शन नंबर 10, इसको शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में अपन चैप्टर के 3rd यूनिट में हम इसे डिस्कस करेंगे। पहले 5 कौन से पॉइंट्स है? ऑल दोस पॉइंट्स विच आर एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच आर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10। यहां से आगे जो पॉइंट्स देखेंगे दीज आर द पॉइंट्स विच आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10 एंड आर एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? इसको हम बहुत समराइज तरीके में देखेंगे, बाकी इसका डिटेल डिस्कशन यूनिट नंबर 3 में होना है। पहला क्या है? अग्रीमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट देर शुड बी अग्रीमेंट। नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट कैसा होता है? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यस और नो? हाँ या ना? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विल बिकम एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ या ना? यस और नो? अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर अग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। नाउ दिस इज अ कंडीशन एसेंशियल टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 10। There should be an offer and acceptance to form an agreement, agreement enforceable by law or contracts. Next, free consent.
टू और मोर पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आर हैविंग फ्री कंसेंट इफ देर इज एब्सेंस ऑफ कोर्शन अंडर इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. क्योंकि इनमें से अगर कोई भी पॉइंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होता है प्रेजेंट होता है तो क्या फ्री कंसेंट होती है क्या? नहीं. हमारे वाले एग्जाम्पल में जहां निर्जरा को, बिचारी निर्जरा को एक भाले गैंगस्टर धमका रहा था, बोल रहा था घर मेरे नाम पे कर दो वरना मैं तुम्हारे पापा मम्मी को किडनैप कर लूंगा, ही वॉज अप्लाइंग कोर्शन. सो इन द अग्रीमेंट ऑफ निर्जरा एंड चैतन्य भाले देर वॉज कोर्शन प्रेजेंट. एज कोर्शन वॉज प्रेजेंट, फ्री कंसेंट वॉज एबसेंट. इफ देर इज नो फ्री कंसेंट देर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अभी ओके? अभी ओके? टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टी शुड गिव देयर फ्री कंसेंट. टू और मोर पर्सन हैव सेड टू हैव कंसेंट इफ दे एग्री इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. कंसेंट कब होता है? जब कॉन्शियस एड एडम होता है. कॉन्शियस एड एडम कब होगा? जब बोथ द पार्टीज अग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस. देर शुड बी कॉन्शियस एड एडम, सेम थिंग इन द सेम सेंस. कंसेंट विल बी कंसिडर्ड एज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन अंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और मिस्टेक. अगर ये सब पॉइंट अगर मौजूद है तो फ्री कंसेंट नहीं होता. अगर ये पॉइंट एब्सेंट है तो ही फ्री कंसेंट है ऐसा माना जाएगा. एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट आर वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी. जहां पे फ्री कंसेंट इज सो कॉस्ट, जैसे निर्जरा की केस में फ्री कंसेंट नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोर्शन, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. द एबिलिटी टू टर्न द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड लाइज विद द अग्रीड पार्टी हुज फ्री कंसेंट इज सो कॉस्ट. अब वो निर्जरा के ऊपर निर्भर है, निर्जरा के ऊपर निर्भर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या इसको वॉइड करा देना है. अगर वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और भाले के खिलाफ केस करती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. लेकिन निर्जरा अगर डर के मारे चुप बैठती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड. सो अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट आर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी टू पार्टीज. एज पर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन नंबर 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. Who are competent to contract? A person is competent to contract who is the age of majority according to the law which he is subject to. And majority is defined in Majorities Act, which states for entering into a contract, a person will be considered as major if he has attended the age of 18. 18 साल के अब अगर आप हो, अगर उस दिन आपका बर्थडे है 18वां, तो भी आप 18 के कंसिडर किए जाओगे, then you can enter into contract. अगर मैं वरद के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, वरद इज अ माइनर एंड ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट, ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड. उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए. जिस व्यक्ति की दिमागी हालत सही नहीं है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो पागल है, ऐसे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें समझने करने का कोई सेंस नहीं होता. इज अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट. या फिर कोर्ट ने स्पेसिफिकली कुछ व्यक्तियों को डिस्क्वालिफाई किया है, ऐसे व्यक्ति पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो हमें कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है, बदले में कंसीडरेशन मिलता है. लेकिन जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं वो हमारी लायबिलिटी है. अब विजय माल्या जैसा व्यक्ति जो बैंकक्रप्ट है, इंसॉल्वेंट है, ऑलरेडी उसके लायबिलिटी ज्यादा है और उसके एसेट कम है, क्या ऐसे व्यक्ति को और कॉन्ट्रैक्ट करके और लायबिलिटी इनकर करने का अधिकार देना चाहिए क्या? नहीं. तो विजय माल्या इज एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो विजय माल्या जैसे व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट है, जो कोर्ट बोल देगी कि ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो दे आर ऑल्सो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. अरे गड़ी में पॉइंट, तो कौन से इंस्टेंस है वो हम यूनिट नंबर 3 में डिटेल में देखेंगे. अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल ऑल द अबाउट 3 क्वालिफिकेशन. जो भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो 18 साल का होना चाहिए, उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए और किसी भी कोर्ट या किसी भी एक्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. अरे गड़ी में पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन. इट इज रेफर्ड एज क्विड प्रो क्यो. कंसिडरेशन को हम रेफर करते हैं क्विड प्रो क्यो, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. कॉन्ट्रैक्ट में जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ प्रॉमिस कर रही है तो बदले में कुछ चाहती है, हाया ना? और बदले में दूसरी पार्टी जो प्रॉमिस कर रहा है वो भी उसके बदले में कुछ ना कुछ चाहता है. दैट समथिंग इन रिटर्न विच एवरी पार्टी विद बोथ द पार्टीज एक्सपेक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन, जिसे एक्सप्रेस किया गया विद द वर्ड क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न.
कॉन्ट्रैक्ट में जब गणेश अपनी गाड़ी बेच रहा है तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? 20,000 रुपीज। और इसनो जो 20,000 रुपीज पे कर रहा है उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? दैट बाइक विच ही विल बी बाइंग फ्रॉम गणेश। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ द लॉ मे कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी और सम फॉरबेरेंस डिटरमिनेंट लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय अनदर। राइट, कंसिडरेशन कैन बी ऑफ मनी, राइट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। राइट, तो ये सारी चीजों को और डिटेल में कंसिडरेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी हर पार्टी जो प्रॉमिस कर रहा है उसके बदले में उसे कुछ मिलना चाहिए। राइट, आपकी मम्मी आपके लिए इतना कुछ करती है, बदले में वो कुछ चाहती है क्या? नहीं। सो देर इज नो कंसिडरेशन इन द अग्रीमेंट। एज देर इज नो कंसिडरेशन इन द अग्रीमेंट, शी अग्रीज टू मेनी थिंग्स। आपकी और आपकी मम्मी के बीच में बहुत से अग्रीमेंट होती है लेकिन उस अग्रीमेंट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता। मम्मी आपके लिए जो करती है उसके बदले में मम्मी आपसे कुछ नहीं चाहती। तो एज देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब है क्विड प्रो क्यो, विच मीन्स समथिंग इन रिटर्न। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में कल हमने देखा था, देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आयुष एंड ओम, वेर आयुष हैज प्रॉमिस टू पे रुपीज 1 लाख एंड ओम हैज प्रॉमिस टू गिव अ गन टू आयुष। आयुष का कंसिडरेशन क्या है? गन। क्या गन लॉफुल है? क्या गन लॉफुल है? देर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जूली एंड प्रेम, जब प्रेम प्रॉमिस टू गिव 50,000 टू जूली, जूली प्रॉमिस टू गिव उड़ता पंजाब दैट इज ड्रग्स टू प्रेम, यस और नो? नाउ कंसिडरेशन फॉर प्रेम इज ड्रग्स, कंसिडरेशन फॉर प्रेम इज ड्रग्स, कंसिडरेशन फॉर प्रेम इज ड्रग्स। इज इट लॉफुल कंसिडरेशन? नो। सो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न जो मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर वो अनलॉफुल है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट, विष्णु और भाले गैंगस्टर, विष्णु गिविंग 1 लाख रुपए सुपारी दिनेश सर को ठोक दो। विष्णु ने प्रॉमिस किया कि मैं 1 लाख रुपए भाले को दूंगा, भाले हैज प्रॉमिस कि मैं दिनेश सर का मर्डर कर दूंगा। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है अग्रीमेंट का, इज इट लॉफुल? इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ किलिंग समवन लॉफुल? इज इट लॉफुल और अनलॉफुल? अनलॉफुल। एज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड इन सेक्शन नंबर 10 स्टेट दैट देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कोर्ट ने बोल दिया है कि कुछ तरह के अग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड है, जैसे अग्रीमेंट विद अ माइनर। अग्रीमेंट विद अ माइनर किसी भी हाल में वैलिड अग्रीमेंट नहीं हो सकता, ऐसा कोर्ट ने क्लियर बोल दिया। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी माइनर के साथ अग्रीमेंट करेगा वो एक्सप्रेसली क्या हो जाएगा? वॉइड। तो ऐसे बहुत से सिचुएशंस है, इंस्टेंसेस है जहां कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया इस तरह के अग्रीमेंट अगर आप करते हो तो वो क्या होगा? वॉइड। तो उस तरह का ही अगर कोई हम अग्रीमेंट करते हैं तो वैलिड होगा या वॉइड होगा? वॉइड होगा। सो अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। द अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी सच विद द लॉ डिक्लेयर्स आइदर टू बी इलीगल और वॉइड। जैसे बेटिंग का अग्रीमेंट है, लॉ ने क्लियर बोला है कि बेटिंग का अग्रीमेंट इंडिया के अंदर क्या है? इलीगल है। बेटिंग करना हमारे यहां इलीगल है। बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब क्या है? इलीगल है। तो अगर बेटिंग गैम्बलिंग का कोई अग्रीमेंट इंडिया में कर रहे हो तो वो क्या होगा? इलीगल होगा। कैन इट बी एनफोर्स बाय लॉ? विल इट बी अ वैलिड अग्रीमेंट? नो, इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एन इलीगल अग्रीमेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अ वॉइड अग्रीमेंट इज ऑन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। और इलीगल और वॉइड अग्रीमेंट के बीच का फर्क आप सभी लोग तो जान चुके होंगे ही। अभी ओके? अभी ओके? अभी ओके? सारे पॉइंट हो गए क्या? कोई पॉइंट छूटा है क्या? सो दीज आर ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। प्लीज प्रिपेयर योर डेफिनेशन चालीसा, स्टार्ट रीडिंग इट बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू गेट अप ऑन द डेली बेसिस। थैंक यू सो मच।